हेलो लिटिल किड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरे यूट्यूब चैनल सक्षम स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये सब करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको, तो आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। और इम्पोर्टेंट बात बताना, मैं आपको भूल गई थी पिछली वीडियो में, जो मैं आज बताना चाहती हूँ आपको, कोई भी सेंटेंस यदि आप बनाते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में जब सेंटेंस का एंड हो जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह या फिर फुल स्टॉप, इनका विशेष ध्यान रखना है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस। सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। कमला सिंग्स, तो इसमें कमला क्या है? कमला है नाउन। क्या है? नाउन। तो इसी को ही सब्जेक्ट कहेंगे, एस यू बी जे ई सी टी, सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए आप, ही, सी, इट, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ही सी इट। किसी का नेम हो सकता है, नेम। किसी का नाम हो सकता है तो भी सब्जेक्ट ये होगा, आई, बी, यू, दे, टी एच ई वाई दे, ये भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब कोई भी नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, और जीरेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई वर्ब दे रखी होगी, बी ई आर बी, बी ई आर बी वर्ब, कोई वर्ब दे रखी होगी और वर्ब में आई एन जी प्लस हो रही होगी, तो वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं दे सकती हूँ, जैसे कि रीड है, आर ई ए डी रीड, तो इसमें आई एन जी लगी होगी, रीडिंग। रन, आर यू एन रन, तो इसमें आई एन जी लगी होगी, रनिंग। तो ऐसे भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, कुछ इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव, जैसे कि बी ई आर बी, वर्ब दे रखी होगी और वर्ब से पहले टू लगा होगा, तो वो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे टू, ई डबल आर। तो एग्जाम्पल देके बताएं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, ठीक है, और वर्ब में आई एन जी लगी होगी। तो एग्जाम्पल में मैंने तुमको बताया है कि रीडिंग, रीडिंग, रनिंग, इस टाइप से होंगे, इनको जीरंड बोलते हैं। ये अभी छोटी क्लास में है आप, ये मैं आपको भ्रम में नहीं डाल रही, मैं आगे बताऊंगी इन चीजों के लिए, ना ही मैं इनफिनेटिव बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना आप कि वर्ब से पहले टू लगा हो तो समझो कि वो भी सब्जेक्ट है, और इसमें वर्ब में आई एन जी जुड़ी हो और सबसे पहले दे रखा हो तब भी समझना कि वो सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है और ये क्या हो गया, प्रेडिकेट, पी आर ई डी आई सी ए टी ई, प्रेडिकेट। अब मैं आपको सब्जेक्ट को एस लिखूंगी और प्रेडिकेट को पी लिखूंगी, पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है। इसमें केशव, केशव क्या है, केशव, इसमें कमला सब्जेक्ट था और इसमें केशव
सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट को एस लिखूंगी अब, ठीक है। और ये रीड्स हो गया प्रेडिकेट, इसको मैं पी लिखूंगी। अब किसी में मैं पूरा नहीं लिखूंगी, ठीक है। वर्ड्स, वर्ड्स क्या है इसमें, सब्जेक्ट, और फिलाई प्रेडिकेट, इसमें आई सब्जेक्ट है और कम प्रेडिकेट है। दे, दे क्या है, सब्जेक्ट है और वेंट प्रेडिकेट है। इसमें बी सब्जेक्ट है और रन प्रेडिकेट है। इसमें वॉकिंग, मैंने आपको बताया था जीरंड, जैसे कि रीडिंग, रनिंग, मतलब वॉक है, वॉक में आईएनजी लगा है, वॉक में क्या लगा है, आईएनजी, वॉक वर्ब होती है और वर्ब में आईएनजी लगा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इंट यूजफुल क्या हो गया, प्रेडिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो प्रेडिकेट है, और जो सर्कल लगा रही हूँ वह सब्जेक्ट है। स्मोकिंग, देखिए स्मोक, स्मोक एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, स्मोक, और इसमें आईएनजी लगा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इन हार्मफुल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। टू, इसको इर, टू इर या टू एड भी बोल सकते हैं, तो इसमें वर्ब से पहले टू लगा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज हार्मफुल क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। टू स्विम, मैंने बताया आपको वर्ब, वर्ब से पहले टू लगा है और सबसे पहले दे रखा है, तो समझो है सब्जेक्ट है, और इज गुड फॉर हेल्थ, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। अब मैं तीन चार दिन आपको सब्जेक्ट, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी।